बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे हम थोड़ा सा आइल्स में, हर कोई चाहता है कि आइल्स में उसका बैंड बहुत अच्छा आ जाए, तो आइल्स में अच्छा बैंड स्कोर करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो आइल्स में आपको अच्छा बैंड दे सकती है। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। तो एक तो बहुत कुछ लोग इलीगल वेज यूज़ करते हैं, हम आखिर में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे आपका आइल्स का बैंड अच्छा आ सकता है। लेकिन दूसरी बात जो है, देर आर टू वेज आइल्स के, एक कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर डिलीवर्ड, एंड द सेकेंड वन इज पेपर बेस्ड। सो नाउ डेज वी हैव मैनी क्यूरीज अबाउट इट, एवरी वन वॉन्ट टू नो हाउ ही कैन गेट गुड स्कोर। सो टूडे द सीक्रेट ऑफ गुड स्कोर अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि कौन सा तरीक़ेकार है जो आपको बेहतरीन स्कोर दे सकता है। सो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डिसाइड, आई हैव टू गिव यू माई ओपिनियन इन द लाइट ऑफ फ्यू फैक्ट्स। एंड टूडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज फैक्ट्स कि कौन सी बातें हैं, कौन सी बुनियादें हैं जिनकी बेस पे हमें कंप्यूटर बेस्ड आइल्स देना चाहिए या हमें पेपर बेस्ड देना चाहिए जब आप आइल्स बुक करवाना चाहते हैं। फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि एईओ का आइल्स ज़्यादा बेहतर रहेगा या ब्रिटिश काउंसिल का। सो एज फार एज पहले ब्रिटिश काउंसिल और एईओ के आइल्स टेस्ट की बात कर लें, जो आइल्स टेस्ट है वो तो सेम ही होता है, एक्सेप्ट आप कह सकते हैं राइटिंग और स्पीकिंग की, एकेडेमिक और जनरल दोनों के ऑलमोस्ट लिसनिंग और रीडिंग तो सेम ही होते हैं। यस वी कैन से एईओ आपको ज़्यादा बेहतर स्कोर दे सकता है, वो इसलिए कि दे डोंट रिलाई ऑन टू मच कन्वेंशंस एज द ब्रिटिश काउंसिल, क्योंकि आपको पता है ब्रिटिश की लैंग्वेज है आइल्स, तो इसलिए ब्रिटिश काउंसिल की नस्बत आइल्स आपको ज़्यादा दे सकता है एईओ का। दूसरी वैलिडिटी का क्वेश्चन होता है, वैलिडिटी दोनों की सेम है, हाँ कुछ जगह पर स्पेसिफिकली अगर यूके वी आई वाला आइल्स मांगोगे तो उधर फिर आपको यूके यूके की कुछ जगहों पे, तो बाकी दोनों की वैलिडिटी सेम है, ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, अब हम चलते हैं कि आइल्स कंप्यूटर डिलीवर्ड आपके लिए बेहतर है या आइल्स पेपर बेस्ड बेहतर है। सो पहले हम आ जाते हैं रीडिंग सेक्शन की तरफ। देखें आइल्स जो है कंप्यूटर बेस्ड, वो जो रीडिंग सेक्शन है आपका उसमें, वो आपके लिए बहुत इजी है। फ्रॉम द लास्ट फ्यू थिंग्स मैंने बड़ा एक्सपीरियंस किया कि कुछ स्टूडेंट्स ने जो है जो मार खाई है वो रीडिंग में मार खाई है, उसमें डिफरेंट रीजंस थी। देखें अगर आइल्स टाइम बार्ड ना हो तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, हर कोई इस बड़ी आसानी से सारी चीज़ों को कर ले। द मेन इशू इज टाइम बार्ड, उस टाइम के विद इन दैट टाइम यू हैव टू सॉर्ट इट आउट, आपने इसको सॉल्व करना होता है। तो उस अब हमारा कंपटीशन कंप्यूटर बेस्ड में और दूसरे में पेपर बेस्ड में ये है कि हमें कौन सा लेस टाइम कंज्यूमिंग है, किस में हमें मार्जिन ऑफ टाइम ज़्यादा मिल रहा है। तो अब कुछ स्टूडेंट्स तैयारी करते रहे, उनका बहुत अच्छा बैंड जा रहा था रीडिंग में, व्हेन दे वेंट इन द फाइनल एग्जाम तो क्या हुआ, एक स्टूडेंट ने कहा कि जो आखिर में जो शीट होती है जिस पर आंसर ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो उसमें प्रॉबेबली मेरे से कोई सीक्वेंस मिस हो गया, तो जो ही सीक्वेंस ऊपर नीचे हुआ वो सारे के सारे क्वेश्चन गलत हो गए, उसका बैंड डाउन हो गया। अब आपको कंप्यूटर बेस्ड में ये एडवांटेज है, ये कंप्यूटर बेस्ड जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो जहाँ पे रीडिंग का आपका क्वेश्चन आता है वहीं पे आप उसे फिल करते हैं, दोबारा उसे रीफिल करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी घंटा हो उसके लिए भी घंटा, लेकिन उसमें आखिरी घंटे में आपको उस एक्स्ट्रा आंसर शीट को फिल करना होता है। दूसरा रीडिंग में एडवांटेज ये है कि आपको पेजेस टर्न करनी है, फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे पेजेस टर्न करके आपको एक पेज पे जाना है दूसरे पे जाना है। कंप्यूटर बेस में आपके पास पेजेस के टैब्स शो हो रहे होते हैं, जो पेज आपने खोलना है आप ठक करके उसका बटन प्रेस करते हैं और वन क्लिक पे वो पेज ओपन होता है। तीसरी चीज़ हमने देखा है कि जो होता है आइल्स, इसमें हम क्या करते हैं कि हमने रीडिंग में चीज़ों को पॉइंट्स को हाईलाइट करना है तो उनको अंडरलाइन करना होता है, फिर कुछ मैच द हेडिंग में जब हम अंडरलाइन करके किसी पे हमें डाउट होता है कि हमने
दो ऑप्शन ठीक है वो लिखते हैं तो बहुत ज्यादा ब्लॉट्स बन जाती हैं और सम टाइम वो कंफ्यूजिंग होता है और टाइम बार्ड है तो उसमें सारी चीजें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। जबकि आपके पास जो कंप्यूटर बेस्ड है उसमें हाईलाइट करने का ऑप्शन है, आप हाईलाइट करते हैं उस पर इतना वो नहीं बना होता, आसानी से आपको समझ आ जाता है। दूसरा कंप्यूटर बेस्ड में ये है कि आपने फॉर एग्जांपल मैच द हेडिंग वाला क्वेश्चन है तो हेडिंग उठा के ड्रैग करके उस पैराग्राफ पे डाल देंगे, जो ही आप उस पैराग्राफ पे डालेंगे दोबारा आप उस पैराग्राफ को क्विकली स्किम कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यार ये मैच हेडिंग कर रही है या नहीं कर रही, तो वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि ऊपर नीचे उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा जो है आपकी बाकी भी छोटी मोटी जो चीजें हैं उनमें टाइम वेस्ट करने से आप बच जाते हैं। तो रीडिंग जो है वो सबसे टाइम टेकिंग एक्सरसाइज होती है, तो रीडिंग में आपका टाइम बहुत ज्यादा कंप्यूटर बेस्ड में बच जाता है। ठीक है, अगर आपका सीक्वेंस मिस हो रहा है पेपर बेस्ड में तो वो भी नहीं मिस होता, हाईलाइटिंग का आपको एडवांटेज है और इस किस्म के बहुत सारे एडवांटेज हैं। तो एज फार एज रीडिंग इज कंसर्न आई वुड से कि गो फॉर कंप्यूटर डिलीवर्ड आइट्स। देन लिसनिंग, लिसनिंग में भी आपको यही एडवांटेजेस हैं, आप साथ साथ फिल करते हैं, आपको एक्स्ट्रा का टाइम नहीं है, वही टाइम है 40 मिनट्स, आप समझिए आपके 10 मिनट्स बच रहे हैं और आपने उसमें वो साथ साथ फिल अप करना है, बल्कि 30 मिनट्स है तो। और जबकि रीडिंग में भी आपको एक्स्ट्रा टाइम इसमें मिल जाता है जो आपको पेपर पे ट्रांसफर करने आंसर उस चक्कर में। तो लिसनिंग में भी आपको हाईलाइटिंग ऑप्शन है, लिसनिंग में फॉर एग्जाम्पल जो सेक्शन 3 है जब कन्वर्सेशन चल रही होती है तो उस कन्वर्सेशन को आपने 3 ऑप्शंस में से मैच करना होता है, तो अक्सर औकात ये गलती होती है कि आप 3 ऑप्शंस को देखते रहते हैं, क्वेश्चन पे फोकस नहीं होता, बात उसने उन्हें ऑप्शन में से एक करके वो निकल जाता है और हम वहीं रह जाते हैं। तो इसमें आप उसको हाईलाइट करके और आप सुन सकते हैं वो बात उसने जो की है उसको नोट डाउन करके फ़ौरन उससे मैच कर सकते हैं, तो लिसनिंग में भी इसका ये एडवांटेज है। आगे चीज़ आ गई आपकी स्पीकिंग, स्पीकिंग यू हैव सिमिलर, आपका उसी तरह इंटरव्यू होता है। एंड द लास्ट वन इज आपका जो है वो है आपका राइटिंग। अच्छा, राइटिंग में आप कह सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड में जिसकी टाइपिंग स्पीड नहीं है जो कन्वेंशनल मेथड से चलता है उसको कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब वो टाइप कर रहा है तो अगर उसकी टाइपिंग स्पीड नहीं है वो स्लो हो सकती है तो प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेलिंग अगर उसको हाथ से लिखने की आदत है तो मसला हो सकता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आजकल के दौर के मुताबिक लोग टेक्सटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनकी टाइपिंग स्पीड बेहतर होनी चाहिए और अपनी टाइपिंग स्पीड को वो इम्प्रूव करें। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद देर इज इनफ टाइम, 20 मिनट्स फॉर टास्क 1, 40 मिनट्स फॉर टास्क 2। और तो ऐसा है कि आपको राइटिंग में भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जब आप राइट अप कर रहे हैं शीट्स पे तो आपको आइडिया नहीं होता कि आपने कितने वर्ड्स टाइप किए हैं, अब 150 से कम टाइप रह गए, 250 से कम रह गए, लेकिन आपका कंप्यूटर डिलीवर्ड में एक और एडवांटेज ये भी है कि आपका वर्ड काउंट शो होता रहता है कि आपने इतने वर्ड्स लिख लिए, इतने वर्ड्स लिख लिए, उस हिसाब से आप अपनी राइटिंग को ट्रिम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आइल्स कंप्यूटर डिलीवर्ड। तो अगर एट द एंड ऑफ द डे आप मुझसे पूछेंगे आइल्स कंप्यूटर डिलीवर्ड देना चाहिए या आइल्स पेपर बेस्ड देना चाहिए, सो आई विल बी ऑफ द ओपिनियन कि आप यू शुड गो फॉर आइल्स कंप्यूटर डिलीवर्ड। थोड़ा सा आप हेजिटेट ना करें क्योंकि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हेजिटेट कर रहे होते हैं, बल्कि आप राइटिंग प्रैक्टिस कर लें तो यू कैन डू इट वेल। ठीक है, सी यू देन, आपको फर्दर इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।